गाइस, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है कैनन 200D मार्क 2 से। इसको यूज करते करते पूरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 2 साल के अंदर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, क्या इसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं और मुझे इसके अंदर कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिला है। तो अगर आप कैनन 200D मार्क 2 परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई भी DSLR जिसका रेट 50,000 रुपए के आसपास हो ऐसा कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा 2 साल का रिव्यू देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, ये कैनन 200D मार्क 2, मेरी सभी वीडियो इसी से ही रिकॉर्ड होती हैं। गाइस, इसका जो रेट था उस समय सेल के अंदर 45 से 50K के आसपास ही आपको देखने को मिलता था, बट अभी थोड़ा बहुत रेट इसका ऊपर नीचे होता रहता है। अभी मुझे इसका पूरा 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी सबसे पहले इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे आपको ये परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। गाइस, सबसे पहले जानते हैं इसके प्रोस के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है बैटरी। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें, बैटरी आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। इसका जो बैटरी बैकअप है उसके अंदर आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है, काफी कमाल का ये बैटरी बैकअप देती है। अगर हम इसकी चार्जिंग स्पीड की बात करें तो चार्जिंग स्पीड भी इसकी आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। 2 घंटे के आसपास ये आपकी पूरी बैटरी को चार्ज कर देगा, तो बैटरी के अंदर ये आपको ठीक ठाक और बढ़िया देखने को मिल जाता है कैनन 200D मार्क 2। 200D मार्क 2 का जो सेकंड प्रोस है वो है इसका डिजाइन और वेट। गाइस, ये आपको लाइट वेट देखने को मिलता है, 450 ग्राम के आसपास इसका वेट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में गाइस, जो इसका डिजाइन है, लुक है, वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। गाइस, इसके अंदर अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। जो इसका डिजाइन है, लुक है और इसकी बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ पर मुझे अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। ये टूटा भी नहीं है और काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइस, इसका सब कुछ आपको काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। कैनन 200D मार्क 2 का जो थर्ड प्रोस है वो है, इसके अंदर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। जैसे कि काफी सारे DSLR के साथ हो जाता है, कोई क्वालिटी के अंदर कमी आ जाए या फिर टूट जाए या फिर कोई और दिक्कत आ जाए या फिर कोई फॉल्ट आ जाए, इसके अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। एक भी प्रॉब्लम मुझे 2 साल के अंदर देखने को नहीं मिली है। ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि पहले काम करता था। तो गाइस, इसका रिव्यू काफी अच्छा है, काफी अच्छे से इसने काम किया है। कैनन 200D मार्क 2 का जो फोर्थ प्रोस है वो है इजी टू यूज। ये काफी अच्छा इजी टू यूज है, आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसका UI आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, काफी कमाल के आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे। 4K वीडियो को भी यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर पाओगे और बाकी आपको सब सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। ब्लूटूथ वाईफाई का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी जिससे आप अपनी वीडियोस को देख सकते हो लाइव। तो ये काफी फीचर अच्छे आपको देखने को मिलते हैं और बाकी आपको सभी टाइप के फीचर देखने को मिल ही जाते हैं। सो गाइस, ये थे कैनन 200D मार्क 2 के प्रोस। अब जानते हैं इसके कॉन्स के बारे में, क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस, मैं सबसे पहले यही बता दूं कि इसके अंदर आपको एक भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, बट यहाँ पर इसके अंदर कुछ फीचर्स की कमी है जिसको मैंने यहाँ पर कॉन्स के अंदर डाला है। तो यही है इसके कॉन्स। अब जानते हैं कॉन्स के बारे में। कैनन 200D मार्क 2 का जो सबसे पहला कॉन है वो है, इसके अंदर आपको पॉज का बटन देखने को नहीं मिलता है, तो आपको वीडियो को कंटिन्यू ही शूट करना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज नहीं कर सकते हो। 30 मिनट तक की आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो बट यहाँ पर आप उसको पॉज नहीं कर सकते हो। बट गाइस, ये यहाँ पर आपको ज्यादा यूजफुल नहीं रहने वाला है। अगर आप मेरी तरह इस तरह वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आप जाकर वीडियो एडिटिंग से इसको कट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको पॉज का बटन देखने को नहीं मिलता है, ये फीचर इसके अंदर नहीं है। कैनन 200D मार्क 2 का जो सेकंड कोन है वो है, यहाँ पर आपको सिर्फ 9 ऑटो फोकस पॉइंट देखने को मिलते हैं। काफी सारे जो DSLR हैं इसकी टक्कर के अंदर, उनके अंदर ज्यादा ऑटो फोकस के पॉइंट देखने को मिलते हैं। बट गाइस, जो उसकी क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। फोटो भी आप अच्छे से खींच पाओगे और वीडियो भी आप अच्छे से बना पाओगे, बट यहाँ पर आपको सिर्फ 9 ऑटो फोकस पॉइंट देखने को मिलते हैं। कैनन 200D मार्क 2 का थर्ड कोन है वो है कि यहाँ पर आपको स्लो शेयर स्पीड देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप अपने DSLR से मोबाइल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो वाईफाई के जरिए कैनन कनेक्ट ऐप का यूज कर, बट जो स्पीड आएगी वो काफी ज्यादा स्लो आने वाली है। इससे अच्छा जो कि आपको इसके अंदर मेमोरी कार्ड देखने को मिलता है, आप उससे ही कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर या फिर PC के अंदर। सो ये था रिव्यू कैनन 200D मार्क 2 का। अब जानते हैं क्या आपको इसको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आप इसको परचेज कर सकते हो, मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। बट अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप इसको सिर्फ सेल के अंदर ही परचेज करना। बट गाइस, अगर आपको इसका रेट 45,000 या फिर इससे कम देखने को मिले तो ही आप इसको परचेज करना। अगर इससे ज्यादा रेट आपको देखने को मिले, आपको वेट करना चाहिए, सेल के अंदर ही आपको सस्ता देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अंदर जो कमी है और अच्छी बातें हैं वो सब मैंने वीडियो के अंदर बता दी हैं, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो आपको ये परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस, कमेंट करके बताना अगर आप इस DSLR के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।